प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर ये आंकड़े हमें दिए गए हैं और इसके अंदर हमें वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसे हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मध्यमान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मध्यमान निकालते हैं। देखो मध्यमान, मध्यमान जो वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल की जो निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा है, इन दोनों को जोड़ करके यदि 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास मध्यमान प्राप्त होता है। देखो 0.04 और 0.00 को जोड़ोगे तो 0.04 आएगा, और 0.04 में जब 2 का भाग दोगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 0.02। फिर इसकी निम्नतम सीमा 0.04 और 0.08 है। देखो 0.04 यहाँ लिख लो, 0.04 और 0.08 दोनों को जोड़ दो, 8 और 4 कितने हो गए, 12 का 2 असल 1, और 1.1 और 2 आ गया, 0.12 आ गया। 0.12 में जब 2 का भाग दोगे तो यहाँ मान आएगा वो आएगा 0.6। कितना आएगा? 0.6। तो यहाँ पर जो हमारे पास मान प्राप्त होगा वो आएगा 0.06। तीसरा मान है 0.08 और 0.12, 0.08 और 0.12, 8 और 10 0 असल 1, 1 और 1 2। देखो 0.20 आया है, इसके अंदर भाग देंगे तो जो मान प्राप्त होगा वो आएगा 0.10। तो यहाँ पर हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा 0.0.10। फिर आगे वाला देखो, 0.12 और 0.16, 0.12 और 0.16, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितने हो गए, 8, 2 और 1 और 1 2। अब देखो 2 का भाग दोगे तो यहाँ जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.14। तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा 0.14। फिर देखो, हाँ आगे देखिए, 0.16 और 0.20, 0.16 और 0.20 को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो मान होगा वो प्राप्त होगा 6 और 2 और 1 3, यानी 0.36 प्राप्त होगा। जब इसके अंदर 2 का भाग देंगे तो यहाँ जो मान होगा वो आएगा 0.18। क्या आएगा? 0.18। यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा वो आएगा 0.18। अगला देखो 0.20 क्या है, 0.20 और 0.24, 0.24 इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 और 2 और 2 4, 0.2 का भाग दोगे तो यहाँ जो मान प्राप्त होगा वो हो जाएगा 0.22। क्या मान आएगा? 0.22 आएगा, यानी यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा 0.22, ये मान हमें यहाँ प्राप्त होगा। ये तो हमने मान किसका निकाल लिया, मध्यमान निकाला है, मध्यमान निकाल लिया। अब मध्यमान हम किसका मान, यूआई का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यूआई का मान। यूआई का मान निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए बट्टा एच इसका सूत्र होता है। अब देखो एक्स आई का मान हमें, हमने यहाँ पर निकाल लिया, एक्स आई का मान हमने निकाल लिया। अब ए का मान, ए क्या यहाँ पर कल्पित मान है, क्या है? कल्पित मान ए, कल्पित मान ए। कल्पित मान ए, कल्पित मान ए का मान देखो कितना हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे बीच का मान निकालेंगे। यहाँ 3 मान है, यहाँ 3 है, 6, 6 में से बीच का मान तो कोई निकल नहीं रहा, इसलिए हम कोई भी एक मान ले लेते हैं, ये ऊपर वाला मान ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? ये कल्पित मान ए मान लेते हैं, ए का मान मान लेते हैं 0.10। कल्पित मान क्या मान लेते हैं? 0.10 मान लेते हैं, 0.10, ये इसका कल्पित मान ए का मान आया है। अब हम निकालेंगे एच, एच देखो वर्ग अंतर, एच निकालेंगे अंतराल, एच एच बराबर, एच का मान यहाँ आप देखो कितना है, 0.04, 0.02 और 0.06, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 0.04 है, और 0.06 और 0.10 के बीच का अंतर भी क्या है, 0.04 आएगा। तो H का मान आ जाएगा 0.04 आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
0.04 कैसे आएगा ये देख लो। यहाँ 0.06 0.06 में से जब 0.02 घटाओगे तो यहाँ 6 में से दोगे 4, 0 में से 0 गया 0 पॉइंट पॉइंट, तो ये 0.04 यहाँ पर H का मान आएगा। क्या आएगा? H का मान 0.04 आ जाएगा। अब देखो UI XI माइनस A बट्टा H दोनों मान हमारे में प्राप्त हो गए। अब जो विधि हम प्रयोग कर रहे हैं वो विधि कौन सी है? पग विचलन विधि है। कौन सी विधि है? पग विचलन विधि। पग विचलन विधि का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आंकड़े बड़े और जटिल हैं, इसलिए हम इसे सरल करने के लिए जो विधि काम में लेंगे वो है पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पग विचलन विधि के का प्रयोग करने पर, पग विचलन विधि का प्रयोग करने पर, आंकड़े जटिल और है बड़े हैं जिसके कारण हम पग विचलन विधि का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अब यूआई का मान निकालते हैं। मैंने बताया था जब यहाँ पर अपने पास कल्पित मान है, कल्पित मान ए का सामने का मान हमेशा हम क्या रख लेते हैं? जीरो रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? जीरो रख लेते हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो मान माइनस में क्रमिक रूप से बढ़ता जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का एक और यहाँ आएगा माइनस के दो। क्या आ जाएगा? माइनस एक माइनस दो। जीरो से जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो धनात्मक मान क्रमिक रूप से बढ़ता जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक, यहाँ दो और यहाँ तीन। अब देखो हमारे पास बारंबारता आ गई, UI का मान आ गया। अब UI FI का मान हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखो चार को माइनस दो से गुणा करो, क्या हो गए? चार दूनी आठ, माइनस के कितने हो गए? आठ हो गए, माइनस के आठ। नौ को माइनस एक से गुणा कर गया, माइनस के कितने हो गए? नौ। फिर नौ को जीरो से गुणा किया, जीरो। दो को एक से गुणा किया, दो। चार को दो से गुणा किया, आठ। और दो को तीन से गुणा किया, छः। अब देखो दो मान हमारे पास ऋणात्मक है, आठ और नौ कितने हो गए? सत्रह। आठ दून सोलह और एक सत्रह हो गए, तो माइनस के तो आ गए सत्रह। प्लस के कितने आ रहे हैं? आठ और दो दस और छः कितने हो गए? सोलह। आठ और दो दस और छः सोलह, दो एकम दो, चार दूनी आठ और दो त्रि छः। तो यहाँ पर कितना आ गया मान? सोलह आ गया। कितना आ गया? सोलह। अब सत्रह में से सोलह घटाएंगे तो यहाँ पर जो सिग्मा एफ आई यू आई बराबर मान प्राप्त होगा माइनस का एक, माइनस का एक प्राप्त होगा। और यहाँ पर जो मान प्राप्त हो रहा है हमें कितना हो रहा है? देखो नौ नौ अठारह, दो बीस, चार चौबीस, दो छब्बीस और तीस कितने हो रहे हैं? तीस। कितने हो रहे हैं? तीस। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो गया? तीस। अब हमें क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। किस विधि द्वारा? पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई गुणा एच। देखो ए का मान यहाँ पर कितना है? ए का मान देखो, सबसे पहले ए का मान कितना है? 0.10 है, 0.10 है। तो यहाँ पर लिख लो 0.10 प्लस, फिर सिग्मा एफ आई यू आई का मान हमारे पास कितना है? माइनस का एक आया। कितना है? माइनस का एक। और एफ आई का मान कितना है? 30 है। कितना है? 30 है। अब गुणा एच, एच देखो एच कितना है? एच का मान हमारे पास है 0.04 है। कितना है? 0.04 है एच का मान, 0.04 है। अब हम इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0.10 प्लस, 0.04 को एक से गुणा करोगे तो 0.04 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। क्या आएगा? 0.04 बट्टा 30, लेकिन मान आएगा किसका? माइनस का आएगा। किसका मान आएगा? माइनस का मान आएगा यहाँ पर। देखो अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे,
इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। किसका भाग देंगे, पॉइंट को हटा देंगे, एक दो, दो जीरो नीचे लगा देंगे, तो यहाँ पर जो मान आएगा पॉइंट एक जीरो प्लस, फिर माइनस, यहाँ हो गया चार, कितने हो गए चार, क्योंकि हमने पॉइंट हटा दिया, जब पॉइंट एक और दो के बाद में पॉइंट हटाया तो दो जीरो नीचे लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा तीन जीरो जीरो और जीरो, 30 था, दो जीरो और लगा दिया, कितना आ गया 3000 आ गया, कितना आ गया 3000। अब भाग दो, चार के अंदर 3000 का भाग देंगे हम, क्या करेंगे चार में 3000 का भाग देंगे, तो चार के अंदर हम पहले क्या करते हैं 3000 का भाग दे लेते हैं, चार है और चार में भाग देते हैं किसका 3000 का, 3000 का भाग देंगे। अब 3000 सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट से पॉइंट को हटाया, पॉइंट को हटाया तो 30 के आगे हमने दो जीरो लगाया, तो यहाँ क्या बन गए 3000 बन गए, क्या बन गए 3000। अब 3000 का भाग हम देंगे चार में, तो देखो सब भाग देंगे तो 3000 का भाग चार में नहीं जाता, तो हम यहाँ सबसे पहले जीरो उतारेंगे, जीरो उतारने के लिए यहाँ क्या कर दी, जीरो उतारा तो यहाँ लगा दी पॉइंट, फिर भाग नहीं गया तो हमने जीरो उतारी और यहाँ भी एक जीरो लग गई, फिर हमने फिर भी 400 के अंदर 3000 का भाग नहीं जाता तो यहाँ पर जीरो उतारी और यहाँ पर भी एक जीरो उतार ली। अब आगे देखो 3000 का भाग 4000 में देते हैं तो कितनी बार जाता है, एक बार जाता है, कितनी बार जाता है एक बार, तो यहाँ आ जाएगा 3000, कितने आ जाएंगे 3000 आ जाएंगे, 4000 में से 3000 घटाएंगे, जीरो में जीरो गया जीरो, जीरो जीरो और चार में से तीन गया एक, तो 1000 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 1000। अब 1000 में फिर 3000 का भाग नहीं जाता तो हम एक जीरो उतारेंगे, एक जीरो उतारेंगे और क्या करेंगे 3000 का इसमें भाग देंगे, कितने भाग देंगे, तो तीन का भाग कितनी बार जाएगा, एक जीरो उतार लिया और कितनी बार जाएगा, तीन बार भाग जाएगा, यानी 10000 के अंदर 3000 का भाग कितनी बार जाएगा, तीन बार जाएगा, तो यहाँ हो गए 9000, कितने हो गए 9000, 10000 में से 9000 गया, फिर अब 1000 बच गए, कितने बच गए 1000, फिर हम 3000 का इसमें भाग देंगे, नहीं जाएगा एक जीरो उतारा, 10000 में फिर इसका दिया तो कितने हो गए तीन बार जाएगा, यहाँ आ जाएंगे 9000। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो मान आया है वो आया है 0.00133, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉइंट एक जीरो, फिर ये प्लस और ये माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस का और उत्तर आएगा 0.0133, यहाँ 0.0013 और तीन। अब देखो इसको हल आगे करते हैं, तो आगे हल करेंगे तो अब क्या करेंगे, इसमें से इसको हम घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाने के लिए देख लो कैसे घटाते हैं इसको, यहाँ पॉइंट एक और जीरो है, इसमें से हम इस संख्या को घटाएंगे तो ये पॉइंट के छेद में नीचे क्या रखेंगे, पॉइंट रखेंगे। अब देखो जीरो जीरो है तो यहाँ रखेंगे जीरो जीरो, फिर है एक तीन और तीन, इसको घटाएंगे तो घटाने के लिए इसके ऊपर क्या रख देंगे, जीरो रखेंगे, जीरो जीरो जीरो, देखो जीरो में से तीन नहीं जाता, ये इधर उधार लेगा तो यहाँ हो जाएंगे दस, दस में से तीन गए कितने हो गए सात, यहाँ नौ बच्चे, नौ में से तीन गए कितने छः, यहाँ बच्चे नौ, नौ में से एक गया कितना बचा आठ, यहाँ इसे उधार आया था तो यहाँ हो गए नौ, नौ में से जीरो गया नौ, यहाँ जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो और यहाँ बच गया पॉइंट और यहाँ हो जाएगा जीरो। अब देखो यहाँ जो हमारे पास मान है इनमें से इसको हम जब हम घटाते हैं तो हमारे पास जो मान आता है वो आता है 0.09867, ये मान प्राप्त होता है। अब देखो हम पॉइंट के बाद में अक्सर कितने अंक रखते हैं, दो ही अंक रखते हैं, कितने अंक रखते हैं दो रखते हैं, अब इस सात को हम हटाएंगे तो इसके अंदर एक जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको हम हल कर लेते हैं 0.098, इस सात को हटाएंगे क्योंकि पाँच से बड़ी संख्या, इसको हटाने पर एक आगे वाली संख्या में एक जोड़ दिया जाता है तो यहाँ हो जाएगा सात, कितना हो जाएगा सात, फिर हम क्या करते हैं 0.098, आठ है, अब इस सात को भी हटा देते हैं, सात को हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, हटाएंगे तो आगे वाली संख्या में एक जुड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा नौ, कितना हो जाएगा नौ, तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 0.099 PM, यानी SO2 की जो सांद्रता है, किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड की जो सांद्रता आएगी वो आएगी 0.099 PM आएगी, कितनी आएगी, ये इसकी सांद्रता आती है, वायु के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की जो सांद्रता होगी वो होगी 0.099 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आठ है, देखो क्वेश्चन नंबर आठ में कहा गया है, क्या कहा गया है, किसी कक्षा
अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसका माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, दिनों की संख्या दी गई है वर्ग अंतराल के रूप में और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। अब एक विद्यार्थी अनुपस्थित रहता है उसके माध्य हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हमने दिनों की संख्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे, मध्यमान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मध्यमान। तो इस सारणी को हम यहाँ से बनाते हैं। क्या करते हैं, सारणी को बनाते हैं। देखो सबसे पहले दिनों की संख्या लिखेंगे किसके रूप में, वर्ग अंतराल के रूप में, 0 से 6, फिर है 6 से 10, फिर है 10 से 14, 14 से 20, फिर 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40, 38 से 40 ये संख्या है, ये वर्ग अंतराल है। विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 11, फिर इस वर्ग में दे रखी है 10, अगले वर्ग में दे रखी है 7, अगले वर्ग में 4, फिर 3 और लास्ट वर्ग में दे रखी है 1। ये विद्यार्थियों की संख्या है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मध्यमान निकालना है। क्या निकालना है, मध्यमान। देखो यहाँ पर देखो क्या इसका अंतराल है वो समान है, यहाँ 0 से 6, 6 का अंतर है, यहाँ 6 से 10, 4 का अंतर है, 10 से 14, 4 का अंतर है, 14 से 20 के बीच में 6 का अंतर है, 20 से 28 के बीच में 8 का अंतर है, यानी अंतराल है वो समान नहीं है। अंतराल जब समान नहीं है तो हम अन्य विधि का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मध्यमान निकाल लेते हैं। देखो 0 और 6 इनका निम्नतम सीमा उच्चतम सीमा दोनों का मध्यमान आ जाएगा। 0 और 6 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। 10 और 6 कितने हो गए, 16। 16 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। फिर 10 और 14 कितने हो गए, 24। 24 का आधा हो जाएगा 12, यानी 24 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 12। 20 और 14 कितने हो गए, 34। 34 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा, 17। 28 और 20, 40। 48, 48 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। कितना आ जाएगा, 24। फिर 38 और 28, 40, 50, ये देखो कितने हो गए, 28 और 38। 8 दूनी 16 का छक्का, असल 1, 3, 2, 5 और 1, 6, 66। 66 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33। और लास्ट में 40 और 30, 70 और 8, 78। 78 में 2 का भाग देंगे, यानी 78 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 7 में जाएगा 3 बार, 1, 18, 9 बार। कितने आ गए, 39। यहाँ लास्ट में हमारे पास मध्यमान आएगा, वो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। मध्यमान निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा दोनों सीमाओं को जोड़ करके 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास मध्यमान आ जाता है। अब मध्यमान को निकाल लिया हमने। अब देखो कौन सी विधि का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, विधि हम देखेंगे, कौन सी विधि देखेंगे, क्योंकि अंतर समान नहीं है यानी वर्ग अंतराल समान नहीं है तो हम मानेंगे कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि के माध्यम से हम इसे हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करने पर, कल्पित माध्य विधि का इसके अंदर हम प्रयोग करेंगे। कल्पित माध्य विधि करने के लिए हम क्या करेंगे, DI बराबर, पहले हमने UI निकाला था वो थी पग विचलन विधि, अब की बार कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि जिसमें DI का मान निकाल रहे हैं। DI बराबर हो जाएगा XI-A। फिर हम यहाँ लिखेंगे DI और FI। देखो DI निकालेंगे XI-A, XI का मान हमारे पास ये है, XI का मान ये है, और A का मान हम निकालेंगे इसमें से, कल्पित मान यहाँ लिख लेते हैं, कल्पित मान A का मान देखो कहाँ से निकालेंगे, A मध्यमान है XI में से, मध्य बीच का मान ले लो,
यहाँ पर कितने माने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। 7 में से 3 ऊपर छोड़ दो, ये 3 ऊपर छोड़ दिए, ये मान ले लेते हैं कल्पित मान। ए का मान कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कल्पित मान ए का मान तो हो गया 17 है। अब एच देखो, एच हमें यहाँ आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि हमने विधि कौन सी ली है? कल्पित माध्य विधि ली है, तो एच की हमें आवश्यकता नहीं है। तो डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब ए का मान तो हो जाएगा कितना? 17, और एक्स आई का मान 3 है, तो यहाँ पर कितने रखेंगे? 17 रखेंगे और यहाँ रखेंगे 3। तो -17 में से देखो, पहले एक्स आई का मान कितना है? 3 है। ये एक्स आई का मान 3 है तो मैं यहाँ 3 रख देता हूँ। फिर माइनस के ए का मान कितना है? 17 है, तो यहाँ 17 रख दो। देखो 17 में से जब 3 घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो किसके आ गए? माइनस के 14। माइनस का क्या आ गया? माइनस के 14। अब फिर दूसरे में एक्स आई कितना है? 8 है, तो यहाँ एक्स आई की जगह रखेंगे 8, यहाँ लिख लो। माइनस के कितने आए? 14। फिर देखो यहाँ 8 है, एक्स आई का मान तो 8 है, और माइनस ए का मान कितना है? 17। 17 में से 8 जाएंगे तो कितने बच गए? 9 बचे। किसके? माइनस के। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 9। फिर है 12, तो यहाँ रखेंगे 12, यहाँ 12 रख देंगे एक्स आई की जगह। माइनस ए का मान कितना रख देंगे? 17 रख देंगे। तो 17 में से 12 गया, माइनस का क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस के 5। फिर देखो 17, 17 में से 17 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 0 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? 0। फिर 24, 24 में से कितने घटाएंगे? 17 घटाएंगे, तो 24, 24 माइनस 17, 24 में से 17 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? देखो चार, चार में से 14, 14 में 7 गए, 7 कितने बचाएंगे? 7 बचेंगे। कितने बचेंगे यहाँ पर? 7। फिर 33, 33 में से 17 घटाओ तो कितने बचेंगे? 16। कितने बचेंगे? 16। और फिर 39, 39 में से 17 घटा दो, कितना घटाओगे? 39 में से 17 घटाओगे तो 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया 2, और 3 में से 1 गया 2, कितने बच गए? 22। तो यहाँ लिख दोगे 22, कितने आ गए? 22। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। कल्पित मान है ये, है ना। अब देखो यहाँ अब हम करेंगे डी आई गुणा एफ आई, तो डी आई का मान तो हमारे पास ये है और एफ आई का मान ये है। इन दोनों को हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे और इसे आगे हल करेंगे। तो -14 को 11 से गुणा करो, 14 को इससे गुणा करो, 14 में 140, और 100 कितने हो जाएंगे? 54 हो जाएंगे। माइनस का आ जाएगा 154। फिर 10 को 9 से गुणा करोगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे? 90। फिर 7 को 5 से गुणा करोगे, 7 पंजे कितने हो गए? 35। माइनस के कितने हो गए? 35। फिर 4 को 0 से करोगे, 0। फिर 4 को 7 से करोगे, 7 चौक 28। फिर 3 को 16 से करोगे, 16 38। और 22 को 1 से करोगे तो 22। अब इस मान को हम अलग जोड़ लेते हैं, ऋणात्मक मान को, धनात्मक मान को अलग जोड़ लेते हैं। तो पहले ऋणात्मक मान को जोड़ लो। देखो 5 और 4 कितने हो गए? 9। 5 और 4 9, 9 हो गए, 9 और 3 3 और 9 कितने हो गए? 12। 12 और 5 17, 17 का शाता असल 1, और 1 और 1 असल वाली कितनी? 2। कितने हो गए? 269। ये तो आगे माइनस के, प्लस के देखो 8 8 16 और 2 18, 18 का आटा हसल 1, 2 2 4 4 8 और 1 9, कितने आ गए? 98। 98 प्लस के आगे माइनस 279 आ गए, वो किसके हैं? माइनस के हैं। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास मान किसका आ जाएगा? सिग्मा एफ आई का आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई का मान आएगा वो कितना आ जाएगा? माइनस के 279, 279 में से 98 घटाएंगे, कितना घटाएंगे? 98, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 17, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ बच गया 1, 181, कितना आ गया? 181। किसका मान आया? सिग्मा एफ आई डी आई का मान आया है। और ये देखो ये विद्या सिग्मा एफ आई का मान, सिग्मा एफ आई का मान मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई का जो मान है वो जोड़ लो कितना आ रहा है? 10 11 21 21 7 28 28 4 32 32 और 4 36 36 और 4 कितने हो गए? 40। किताब में दे रखा है 40, कितना दे रहा है? सिग्मा एफ आई का मान दे रखा है 40। अब हमें कल्पित मान एक आ गया,
एफ आई का मान आ गया और सिग्मा एफ आई और डी आई का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे हल करते हैं, समांतर माध्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं? समांतर माध्य। इसे समांतर माध्य निकालने का सूत्र होता है समांतर माध्य एक्स बार बराबर हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ। अब देखो इसे आगे और हल करते हैं, तो और हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक का मान रखते हैं, एक का मान यहाँ रख दो, कितने आए 17। एक का मान कितना है 17 प्लस, देखो सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना आया 181 आया, कितना आया 181, और आया किसका है, माइनस का है, ये भी ध्यान रखना है किसका आया है, माइनस का, तो बराबर यहाँ रखेंगे माइनस का 181, तो यहाँ कोष्ठक में लिखेंगे माइनस का 181, माइनस 181 बट्टा एफ आई का मान है 40, कितना है 40 बराबर, यहाँ 17 प्लस माइनस 181 में 40 का क्या करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ मैं एक बार भाग देके बता देता हूँ, 181 में किसका भाग देंगे 40 का, तो 40 का भाग 4 2 80, 4 3 120, 4 4 160, 160 यहाँ बच गया, 1 8 में से 6 गया 2 21, 21 में फिर 40 का भाग नहीं जाता, तो यहाँ उतारेंगे पॉइंट और यहाँ उतारेंगे जीरो, देखो जीरो से वापस जीरो कट गई, यहाँ बच गए 21, कितनी बार जाएगा 4 4 16, 4 5 20, यहाँ हो गए 20, बचा 1, 1 हो गया, 1 के आगे जीरो उतारेंगे तो 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 2 8, फिर बचा 2, 2 के आगे जीरो उतारेंगे 5 6 20, कितनी बार गया है 4.525 बार गया है, लेकिन पॉइंट के बाद में हमें कितनी संख्या लेनी है, 2 संख्या लेनी है, कितनी देनी है, अगली 5 है, तो इसको हम आगे बढ़ा, इसको हटा करके इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा चार, कोष्ठक में लिख लो माइनस का है, क्योंकि माइनस 4.5 और 2 और आगे 5, इसको हम क्या करते हैं लिखते हैं। अब देखो इससे और आगे हल करते हैं, तो ये तो माइनस का मान है, तो यहाँ एक बार लिख लो 17 प्लस माइनस, माइनस का मान है ये, तो माइनस यहाँ लिख देंगे 4.5, 5 को हटाएंगे तो इसको हटाएंगे तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 3 बराबर 17 प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस 4.5 3। अब 17 में से 4.5 3 को घटाएंगे तो 17 में से क्या घटाएंगे 4.5 3 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 0 रख देंगे आगे, देखो 10 में से 3 गए कितने बचे 7, यहाँ 9, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 गए 4, यहाँ उतर जाएगा पॉइंट, यहाँ बचा 6 6 6 में से 4 गए 2 और यहाँ 1 12.47, यानी जो मान आएगा वो आ जाएगा 12.47, किसका मान आया 12.47, विद्यार्थियों का प्रति माध्य आया है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, कितना क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 12.47। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहा गया है, देखिए निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, यानी जो साक्षरता दर है वो प्रतिशत में यहाँ पर दिखाई गई है, वर्ग अंतराल के रूप में दिखाई गई है, तब माध्य साक्षरता दर हमें ज्ञात करनी है, क्या करनी है माध्य साक्षरता दर हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है, तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सारणी बनाते हैं, ये क्या करते हैं सारणी बनाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे साक्षरता दर, यहां लिखेंगे साक्षरता दर, साक्षरता दर, फिर लिखेंगे नगरों की संख्या, नगरों की संख्या, नगरों की संख्या, फिर लिखेंगे मध्यमान, मध्यमान, मध्यमान एक्स मध्यमान लिखेंगे, देखो साक्षरता, साक्षरता कितनी है 45 से 55 के वर्ग अंतराल में, 45 45 से 55, 45 से 55 और 55 से 65, 55 से 65 के वर्ग अंतराल में, फिर 65 से 75, 75 के वर्ग अंतराल में
और 75 से 85 और 85 से 95 इस वर्ग अंतराल में यहाँ पर साक्षरता दर दिखाई गई है प्रतिशत के रूप में। देखो अब है नगरों की संख्या, नगरों की संख्या इस दर में कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। फिर आगे वाले वर्ग अंतराल में कितनी है, 10 है नगरों की संख्या। आगे वाले वर्ग अंतराल में नगरों की संख्या 11, फिर आगे 8 और 3 है। अब देखो मध्यमान निकालते हैं, यानी ये नगरों की संख्या है यहाँ पर है बारंबारता बोल मानेंगे इसको, तो ये एफ आई का मान है। फिर मध्यमान को हम लिखते हैं एक्स आई, क्या लिखते हैं एक्स आई, एक्स आई निकालेंगे। अब एक्स आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल है इस वर्ग अंतराल की न्यूनतम सीमा और उच्चतम सीमा दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ करके 2 का भाग देंगे या इसकी आधी करेंगे तो हमारे पास मध्यमान प्राप्त होगा। देखो 45 और 55 कितने हो गए, 100 हो गए, कितने हो गए 100, 100 का में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास मान आएगा वो कितना आएगा 50। फिर 55 और 65 कितने हो गए, 120 हो गए, 120 का आधा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। 55 और 165, 55 और 65 कितने हो गए 120, 120 का 60 हो गया। फिर 65 और 75 को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा कितना 70। फिर 75 और 85 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 160, 160 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80। और 85 और 95 तो 90, 90 180, 180 में 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 90। ये मान हो गया मध्यमान, मध्यमान हो गया। अब निकालते हैं हम यू आई, क्या निकालते हैं यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटा एच। देखो यू आई का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम कल्पित मान लेते हैं, कल्पित मान इस मध्यमान में से बीच का मान ले लेते हैं, तो कल्पित मान कितना मान लेते हैं 70 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं कल्पित मान हम 70 मानते हैं। कौन सी विधि का हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, पग विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे पग विचलन, पग विचलन विधि का प्रयोग करने पर, पग विचलन विधि का प्रयोग करने पर, पग विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे हम पहले हम क्या लेंगे कल्पित मान लेंगे, क्या लेंगे कल्पित मान, कल्पित मान, कल्पित मान ए का मान कितना है बराबर, देखो कल्पित मान ए का मान हमने निकाला है 70, बीच का मान लिया है कितना आ गया 70 आया है। अब लिखेंगे एच, एच का मान, एच देखो एच यहाँ 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ 45 से 55, 55 से 65 कितना आ रहा है 10 आ रहा है, कितना आ रहा है तो एच का मान आ जाएगा 10। हमें निकालना है समांतर माध्य। अब हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए, ए का मान यहाँ रखेंगे 70, ए की जगह क्या रखेंगे 70, 70 में से फिर एक्स आई का मान घटाएंगे 50, तो यहाँ 70 में से 50 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 20 बचेगा, माइनस के 20 में किसका भाग दोगे 10 का भाग दोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। लेकिन मैंने सरलतम तरीका बताया है, जब हम कल्पित मान मानते हैं तो कल्पित मान के सामने वाला जो मान है किस विधि में, पग विचलन विधि के अंदर, उसके अंदर सामने हम क्या रख लेते हैं 0 रख लेते हैं, डायरेक्ट 0 रख लेते हैं, 0 रख लिया। अब 0 से ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्रमिक रूप से मान ऋणात्मक आएगा, तो पहला मान आएगा माइनस का 1, फिर आएगा माइनस का 2। नीचे की तरफ जाते हैं तो माइनस प्लस का मान आएगा, क्रमिक रूप से प्लस का मान, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आएगा 2। ये आ गया यू आई का मान। आगे वाली कॉलम में हम लिखेंगे यू आई और एफ आई, देखो यू आई एफ आई, अब यू आई और एफ आई को हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 3 को माइनस 2 से गुणा किया, माइनस के कितने आ गए 3 दूनी 6, माइनस के 6 आ गया, 10 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस का 10, 11 को 0 से किया तो 0, 8 को 1 से किया 8 और 3 को 2 से किया 3 दूनी 6। देखो ये मान ऋणात्मक है, ये मान क्या है धनात्मक है, 10 और 6 कितने हो गए माइनस के तो आगे 16 और 8 और 6 14, प्लस के आगे 14, तो माइन यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो मान आएगा हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई बराबर कितना आएगा माइनस का 16, माइनस के 16 में से प्लस के 14 घटा देंगे तो मान जो प्राप्त होगा वो क्या आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस के 2। अब हमें निकालना है समांतर माध्य, क्या निकालना है समांतर माध्य, तो समांतर माध्य निकालने के लिए सूत्र होता है समांतर
समांतर माध्य। समांतर माध्य को हम किससे लिखते हैं, एक्स बार से लिखते हैं, तो समांतर माध्य को एक्स बार लिख दिया बराबर। इसको ज्ञात करने के सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच। देखो ए का मान हमने कितना निकाला है, 70 निकाला है, तो यहाँ रख देंगे 70 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है, माइनस के 2 है। सिग्मा एफ आई यू आई का मान माइनस का 2 है, तो यहाँ रख देंगे माइनस के 2 बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई को भी जोड़ लो, कितने है? देखो 10 और 3 13, 10 और 10 20, 21, 21 और 3 24, 24 और 3 24 और 3 27, 27 और 8 हो गए 27, 3 30 और 35 कितने हो गए 35। तो सिग्मा एफ आई का मान आएगा, सिग्मा एफ आई बराबर हो गया 35। सिग्मा एफ आई का मान 35 है, तो यहाँ रख लेंगे 35, क्या रख लेंगे 35 गुणा एच। एच का मान कितना आया है, 10 है, तो यहाँ रख लेंगे 10। अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ 70 प्लस, देखो काट दें इसको, 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35, 5 का भाग इसमें दिया तो 7 आ गए, इसमें 5 का भाग दिया तो 2 आ गए, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 4, क्योंकि माइनस की संख्या अंदर है तो माइनस के 4 आ गए बट्टा कितने 7 बराबर। आगे हल करते हैं तो 70 माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 4 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा देखते हैं। देखो 4 में 7 का भाग देते हैं, नहीं जाता तो उतार लेंगे पॉइंट, पॉइंट उतारा यहाँ आ जाएगा 0, 7 पंजे 35 कितने 35, 40 में से 35 गए 5, उतारा 0 कितनी बार जाएगा, 49 कितना 1, उतारा 0, 7 एकम 7, यानी पॉइंट के बाद में हम दो ही अक्षर दो ही अंक लेंगे तो पॉइंट 5 7 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पॉइंट 5 और 7। अब इसमें से घटा देते हैं, 70 में से पॉइंट 5 7 को घटाते हैं, तो 70 में से किसको घटाते हैं, पॉइंट 0 में से घटाते हैं पॉइंट 5 7 को घटाएंगे, तो यहाँ देखो 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9 में से 5 गए 4 पॉइंट, यहाँ बच गए 9 और यहाँ बच गए 6 कितने हो गए 69.43 हो जाएगा, तो 69.43 ये आ जाएगा हमारा उत्तर, आ जाएगा क्या आ जाएगा उत्तर।